गैस सी प्लस प्लस में आज हम लोग पॉइंटर्स देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारा पॉइंटर सी प्लस प्लस का। उससे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो काइंडली कर लें, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्लेलिस्ट से वीडियोस नहीं देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ क्लिक करके बुक मार्क और यहाँ क्लिक करके सेव कर दें। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाना चाहूँगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ tut12.12.cpp, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड नाम से एक स्निपेट बनाया था और वो ये कोड डाल देता है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ये टाइप कर लेना, नहीं तो वो वीडियो देखो, तभी आप लोगों को मालूम चलेगा ये मैंने जादू कैसे किया, सिर्फ बॉयलर लिखकर इतना बड़ा कोड कैसे जनरेट किया। ये आप लोग को पिछले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ में है इसलिए आपको सीरीज़ में ही देखना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप लोगों को पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो पॉइंटर सबसे पहले क्या होता है इस बारे में बात कर लेते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी लोगों ने बना रखी है हाई पॉइंटर्स के बारे में कि यार पॉइंटर जो है सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है और एक ऐसी चीज़ है जो समझना बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो व्हाट इज़ अ पॉइंटर? एक सिंपल सा सवाल का सिंपल सा जवाब, एक डेटा टाइप है, ठीक है। पॉइंटर एक डेटा टाइप है, एक टाइप ऑफ वेरिएबल है जो क्या करते हैं, विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अदर डेटा टाइप्स, ठीक है। तो दूसरे डेटा टाइप्स के एड्रेस को होल्ड करने के लिए एक नया डेटा टाइप बनाया है। हमने कहा है कि एक पॉइंटर नाम का एक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है हमारे पास, उसी तरह हमने कह दिया कि एक पॉइंटर भी होगा। और ये जो पॉइंटर होगा ये स्टोर करेगा बाकी दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस। और इसको बनाने के लिए हमने कहा कि फिर इसको बनाएंगे कैसे, तो हमने एक नई नोटेशन, हमने कहा कि एक नोटेशन लाते हैं। जैसे मान लो एक a=3 नाम का इंटीजर वेरिएबल है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा, एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया मैंने यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा, जैसे ही मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पर चाहूँगा कि ये जो मेरा मैंने यहाँ पर जो टैब थी वो लगा दिए, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। एनीवेज जो भी है, तो मैंने अपने स्निपेट में टैब लगा रखी थी इसलिए वाइट वाइट आ रहा था, बट दैट शुड नॉट मैटर क्योंकि सी प्लस प्लस में वाइट स्पेसेस वैसे भी इग्नोर होती हैं। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एक मैंने इंटीजर वेरिएबल बना दिया a=3। अब मैं कहूँगा int star b =m% of a। तो मैंने यहाँ पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, मैंने कहा है कि एक int star टाइप का वेरिएबल बना दो, एक ऐसा वेरिएबल बना दो जो कि होल्ड करेगा एड्रेस a का। तो int star का मतलब है पॉइंटर वेरिएबल बना दो, एक ऐसा पॉइंटर बना दो जो कि इंटीजर पे पॉइंट करता हो, और उसका नाम b रख दिया। और मैंने कह दिया कि उसको बराबर कर दो एड्रेस ऑफ a के। तो m% क्या है, m% है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और उसी के साथ साथ हमारे पास स्टार होता है हमारे पास डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है, डीरेफरेंस ऑपरेटर इसको बोलते हैं। और अभी डीरेफरेंस ऑपरेटर को छोड़ देते हैं, इस पर अभी आऊंगा, इसको अभी भूल जाओ कि ये भी कुछ है। अभी सिर्फ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को देखो। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, जो हमारा ये हमारा प्रोग्राम होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारी रैम में स्टोर्ड होते हैं। तो जैसे मान लो कि आपने एक प्रोग्राम बनाया सी प्लस प्लस का, अब क्या होता है वो प्रोग्राम जब रन होगा तो सबसे पहले वो आपकी रैम में, जो आपके कंप्यूटर में होती है ना रैम, 2 GB, 8 GB, 4 GB, उसमें कॉपी होता है प्रोग्राम। और उसमें कॉपी होने के बाद ये जो सारे वेरिएबल्स हैं उसको रैम में कुछ जगह दी जाती है। अब किसी को कोई जगह दी जाएगी, अब आप किसी होटल में जाते हैं आपको जगह दी जाती है, तो आपका रूम नंबर होता है कि आप सर रूम नंबर 202 में चले जाओ, आप 304 में चले जाओ, आप 101 में चले जाओ, असाइन होते हैं ना रूम आपको, वो आपकी जगह होती है। उसी तरह ये जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, उनको भी एक स्थान, एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है और उस मेमोरी एड्रेस में जाकर वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। वो जो एड्रेस होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ, सी आउट बी करके दिखाता हूँ, और बी में आ गया अभी एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम जैसे ही रन होगा ये मुझे एड्रेस देगा ए का। तो ये कुछ इस तरह से एड्रेस दिखता है हमारा, और ये जो एड्रेस है ये मेमोरी में एड्रेस है, मेरी असली मेमोरी में जिसमें ये रन हो रहा है प्रोग्राम, उसमें एक एड्रेस है और वो एड्रेस असाइन किया गया है ए को इस प्रोग्राम के रन होने के दौरान, ठीक है। जब भी ये प्रोग्राम रन हुआ तो ये एड्रेस असाइन किया गया था इसको, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है। तो सी आउट बी मैंने किया तो बी में आ गया मेरा एड्रेस ऑफ ए। तो बी क्या है मेरा, बी एक पॉइंटर है जो कि स्टोर कर रहा है एड्रेस किसका, ए का। अब एड्रेस ऑफ ए अगर मैं ना लिख के ए लिखता तो वो गलत बात हो जाती, क्योंकि मुझे एड्रेस ही स्टोर करना है इस वेरिएबल में, तो मैंने m% लगाया, m% मतलब एड्रेस ऑफ, ठीक है। तो मैं अब इसको इस तरह ब्रैकेट लगा देता हूँ कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है।
अब मान लो कि मैंने आपको बी पकड़ा दिया और मैंने कहा ये एक एड्रेस है, मतलब पॉइंटर है जिसमें एड्रेस है, ठीक है। तो बी एक पॉइंटर है जैसे कि हमें मालूम है। अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ, मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ, द एड्रेस ऑफ ए इज़, और मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, चाहे मैं एम परसेंट ऑफ ए लिखूँ वो भी मेरा एड्रेस ऑफ ए देगा, एम परसेंट ए मेरा एड्रेस ऑफ ए देगा, और बी में भी मैंने एड्रेस ऑफ ए किया है। बी एक पॉइंटर है जिसमें जो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, जो बी में भी मेरा ए का एड्रेस छुपा हुआ है। एम परसेंट ए मतलब एड्रेस ऑफ ए, और बी तो मैंने एक बनाया था स्पेशल तरह का वेरिएबल जो कि एड्रेस कंटेन करता है, और उसमें मैंने डाल दिया ए का एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ ए दोनों मुझे सेम आने चाहिए जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। और मैं यहाँ पर एंडल लगा देता हूँ जस्ट फॉर क्लीन लेनेस, अच्छे से मेरा आउटपुट दिखे। तो यहाँ पर देखो मैं एक स्पेस भी दे देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर देखो ये जो एड्रेस है वो दिया गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में भी सेम आए, लेकिन एड्रेस ऑफ ए इज़ ये ए को एड्रेस दिया गया और ये दोनों सेम रहेंगे। क्यों रहेंगे सेम? क्योंकि वही एड्रेस है जिसमें ए रह रहा है। अब आप किसी होटल रूम में जाते हो, मान लो आप किसी होटल में जाते हो रहने के लिए, आपको रूम नंबर 203 मिलता है। तो आप अगर पूछोगे कि हैरी का रूम कौन सा है, मान लो हैरी रह रहा है 203 रूम नंबर में, तो या तो आप पूछ लो हैरी का रूम कौन सा है, या आप ये पूछ लो कि हैरी के रूम नंबर वाले सेक्शन में, जो उसके फॉर्म में गेस्ट फॉर्म है जो उसका, उसके रूम नंबर वाले सेक्शन में क्या लिखा है। इन दोनों सवालों का जवाब तो सेम होगा ना, तो एड्रेस ऑफ ए भी सेम चीज़ प्रिंट करेगा और बी जिसमें एड्रेस ऑफ ए है वो भी सेम चीज़ प्रिंट करेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आती है कहानी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे वैल्यू बताओ इस एड्रेस की, यानी कि मैं आपको ये एड्रेस देता हूँ और आप मुझे बताओ इस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दी वैल्यू एट एड्रेस बी, यानी कि बी पर क्या वैल्यू है। आपको बी दिया हुआ है और बी तो कुछ ऐसा दिखता है, अगर बी को प्रिंट कराओ तो वैसा दिखता है। आप चाहते हो कि उस बी पर क्या चीज़ स्टोर्ड है ये पता लगाना, वहाँ काम आता है हमारे डी रेफरेंस ऑपरेटर का। तो मैं इसको ज़रा ऊपर कर देता हूँ और इसको इसके ऊपर कर देता हूँ। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर हमारा स्टार होता है, और स्टार लगा के अगर मैं बी करूँगा तो इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, या फिर वैल्यू एट। तो वैल्यू एट ऑपरेटर का मतलब इस एड्रेस पर क्या वैल्यू है, ठीक है। रन करूँ अगर इसको मैं अभी, तो यहाँ पर देखो 3 आ गया। तो यहाँ पर ए का एड्रेस था तो ए की वैल्यू 3 थी, तो 3 आ गया। अगर स्टार के बाद आप कोई पॉइंटर वेरिएबल का नाम रख देते हो तो क्या होगा कि वो आपको बता देगा कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है। तो आई होप कि आप लोगों को ये इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये प्रोग्राम जो है इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। और मैं कहूँगा इस प्रोग्राम को आप लोग अपने अपने कंप्यूटर्स में रन करो और आप लोगों को जो है पॉइंटर के बारे में और क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमने सिंटेक्स देखा सबसे पहले तो पॉइंटर्स का, हमने ये देखा कि पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम डेटा टाइप के बाद एक स्टार लगाते हैं, फिर वेरिएबल का नाम देते हैं, और उसके बाद एम परसेंट करके, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, सेमी कॉलन लगा दो, और बाद में आप बी इज इक्वल टू एम परसेंट ए करो। ये भी वही बात है जिस तरह हमने इंटीजर्स के साथ देखा था, ऐसा भी कर सकते हो आप। नहीं तो आप क्या करो, डायरेक्टली जैसे मैंने पहले एक लाइन में किया था वो भी कर सकते हो बिल्कुल ही, इंट ए इज इक्वल टू 3 या इंट ए और सेमी कॉलन ए इज इक्वल टू 3 आप कर सकते हो, दो अलग अलग लाइन में तोड़ के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो ये थे हमारे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स सिंपली हमारे क्या करते हैं, एड्रेस स्टोर करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। और जो भी बोलता है पॉइंटर डिफिकल्ट है, आप जो है उनको बोल देना जाकर कि पॉइंटर बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो सिर्फ एड्रेस स्टोर करते हैं। उसी के साथ साथ जो पॉइंटर्स होते हैं उनके पहले स्टार लगा दो तो उन उस एड्रेस पर वैल्यू मिल जाती है, और किसी वेरिएबल से पहले एम परसेंट लगा दो तो एक एड्रेस मिलता है जो कि हम पॉइंटर के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। इस वीडियो को दोबारा देख लो अगर समझ में नहीं आया तो, क्योंकि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट एक लोगों ने बैठा दिया, लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठा दिया गया है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, जबकि एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। लोग मैं देखता हूँ कि सारे बड़े बड़े ऊप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट जानकर बैठे हुए होते हैं और आते हैं मेरे पास कहते हैं हैरी भाई पॉइंटर नहीं आता यार, ऊप्स तो आता है। तो मुझे थोड़ी अजीब लगती है ये बात कि पॉइंटर इतनी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्यों नहीं आता है। और अगर पॉइंटर समझने में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है तो या तो उसने पढ़ा नहीं बेसिक्स कहीं पर, या उसने समझने की कोशिश नहीं करी, या तो उसको किसी ने बताया नहीं। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है
मुझे अपनी राय बताएं क्या है आपकी कमेंट में पॉइंटर्स के बारे में, और उसी के साथ साथ ये प्लेलिस्ट अगर एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, और हम धीरे धीरे अभी काफ़ी आगे जाएंगे सी प्लस प्लस में, काफ़ी लंबी जर्नी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और पॉइंटर्स जो है वो अभी तो ये जो पॉइंटर्स मैंने अभी आपको बताए ये सी लैंग्वेज में भी काफ़ी सिमिलर है, बस सी आउट नहीं होता है सी में, बट मैं अभी सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, तो किसी ने अगर सी ऑलरेडी पढ़ रखी है तो वो बस उसको लग सकता है चीज़ें रिपीट हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन तभी डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, जैसे सी आउट हो गया और फिर उसके बाद किस हिसाब से सी में हम प्रिंटिंग करते हैं और सी प्लस प्लस में वो चीज़ कितनी आसान हो जाती है, थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप लोग जो है यहाँ पर पॉइंटर्स के बारे में अब जान चुके होंगे। अब यहाँ पर पॉइंटर की अरिथमेटिक होती है, वो क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। पॉइंटर को अगर आप एक से ऐड करते हैं पॉइंटर में एक चीज़ तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, वो हम तब देखेंगे जब हम एरेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक ज़रूर करना, और सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोग डायरेक्टली कॉपी करके प्रोग्राम्स को चेंज कर करके रन कर सकें। अब मुझे कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि हैरी भाई अगर यहाँ पर स्टार ना लगा के इस पर भी एक स्टार लगा देते तो क्या होता, तो वो होता है पॉइंटर टू पॉइंटर, और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ यहाँ पर पॉइंटर टू पॉइंटर के बारे में। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर पॉइंटर बनाया है एक, उसी तरह पॉइंटर टू पॉइंटर भी बना सकते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जो कि ये जो हमारा बी है, ठीक है, यानी कि जो हमारा बी है वो कुछ एड्रेस स्टोर कर रहा है, अब इसका भी कुछ एड्रेस होगा, वो कोई स्टोर करेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंट स्टार स्टार कर सकते हैं, इंट स्टार स्टार सी इज इक्वल टू एम परसेंट ऑफ बी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये करेंगे तो एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बन गया, यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जो कि पॉइंटर्स के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंटर टू पॉइंटर, और ये ऑप्शनल रहेगा आप लोगों के लिए समझना, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़्यादा डीप डाइव ना करें इस चीज़ में, बहुत ही सिंपल, लेकिन जस्ट उन लोगों के लिए जो कि क्यूरियस है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू एम परसेंट बी कर दिया, और अगर मैं यहाँ पर सी आउट मैं लिखूँ द वैल्यू ऑफ बी इज, तो जो बी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम परसेंट ऑफ बी, तो मैं यहाँ पर एम परसेंट ऑफ बी लिखूंगा और एंडल भी लगा देता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं सी आउट लिखूंगा, मैं इनफैक्ट इसी को रेप्लीकेट करूंगा, और वैल्यू ऑफ बी मेरी सी भी हो जाएगी, ठीक है, जो बी है वो एक एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ लिखता हूँ, यार मैंने वैल्यू क्यों लिख दिया, एड्रेस नॉट वैल्यू, तो एड्रेस ऑफ बी इज सी और एम परसेंट ऑफ बी, ये दोनों ही एड्रेस के स्टोर कर रहे हैं, और वैल्यू एट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड्रेस बी, एड्रेस सी इज, एड्रेस सी पे वैल्यू क्या है, स्टार ऑफ सी, ठीक है, और फिर मैं लिख दूंगा वैल्यू एट एड्रेस सी, मैं लिखूंगा यहाँ पर एड्रेस ऑफ सी, ठीक है, यानी कि सी का जो एड्रेस है, द वैल्यू एट एड्रेस सी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू ऑफ एड्रेस सी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ज़रा सही से फ्रेम कर देता हूँ, वैल्यू ऐड कर देता हूँ उसको, और वैल्यू ऐड कर देता हूँ उसको, और वैल्यू ऐड का क्या मतलब है कि इस एड्रेस में जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, ये भी एक एड्रेस होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और वो एड्रेस पर जो वैल्यू है वो होगी हमारी स्टार स्टार सी, यानी कि दो बार मुझे डी रेफरेंस करना पड़ेगा, और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 3 होगी। तो अभी रन करके जल्दी से दिखा देता हूँ, तो ये देखो ये 3 आ गई, ये जो एड्रेस था ये सेम आ गया, और नोट करो कि ये इससे अलग है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर थोड़ा सा अभी अगर आप एक बिगिनर हैं तो शायद ना आए समझ में, लेकिन फिर से समझाता हूँ, और अगर नहीं आए समझ में तो मैं कहूँगा ना समझें, और ये मेरा एडवाइस है ना समझें, क्योंकि एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट को ही इस वीडियो में आप ग्रास्प कर लें तो काफ़ी है। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है कि एक ऐसा वेरिएबल बना दिया जो कि पॉइंटर के भी एड्रेस को स्टोर करता है। अब हमने पॉइंटर को बनाया किसी के एड्रेस को स्टोर करने के लिए, तो मैं एक एनालॉजी देता हूँ, आप एक होटल रूम में जाते हो, आपको रूम नंबर 303 मिल जाता है, तो रोहन दास नाम का मान लो एक बंदा है, वो एक होटल रूम में जाता है, उसको 303 रूम नंबर मिलता है, और अब क्या होता है, अब हमें एक दूसरा रूम चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम रूम का एड्रेस डाल देंगे, यानी कि सिर्फ उस रूम में हम रूम का एड्रेस डाल देंगे 303, तो वो क्या कर रहा है, वो रूम का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने रोहन दास को जो स्टोर करने के लिए जो कंटेनर था उसका नाम 303 दिया था, अब हम क्या करेंगे, 304 पर हम सिर्फ ये नाम स्टोर कर रहे हैं 303, सिर्फ हमने कागज़ डाल दिया रूम के अंदर और 303 लिख दिया, सिर्फ वो नाम स्टोर कर रहे हैं हम। तो इस तरह का जो वेरिएबल है वो पॉइंटर टू पॉइंटर होता है, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ को स्टोर कर रहा है जो खुद एक एड्रेस है, ठीक है। तो
तो वो जो सी है वो एक एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर एम परसेंट ऑफ बी जब लिखा वो किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ बी, और बी क्या है, बी खुद एक एड्रेस है, तो एड्रेस का भी एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। और ये जाती रहेगी आगे, आप जितनी बार स्टार लगाते जाओगे ये होता जाएगा। बस यहाँ पर आप ज़्यादा डीप इसको ना बनाएं, क्योंकि मोस्टली आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बट अगेन सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैंने ये बता दिया सी स्टोर कर रहा है बी का एड्रेस। अब मैं अगर एम परसेंट बी डालूंगा तब भी यही वैल्यू आएगी, कोई नई वैल्यू जिसमें कि ये एड्रेस स्टोर किया गया है, जिसके अंदर खुद एक एड्रेस है, और ये बी एम परसेंट बी और सी एक ही वैल्यू देंगे। फिर स्टार सी का मतलब क्या होगा, स्टार सी का मतलब बी है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डी रेफरेंस कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने जैसे ही डी रेफरेंस किया तो इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू थी वो आ गई, जो कि बी थी, ठीक है। फिर मैंने इसको दो बार डी रेफरेंस किया, तो एक बार डी रेफरेंस किया तो बी मिला, और एक और बार डी रेफरेंस किया तो ए मिला, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, और हो सकता है कई लोगों का दिमाग घूम जाए इसमें, बट अगेन अगर आपने ये समझ लिया तो काफ़ी आप लोग पॉइंटर्स के चैंपियन हो, मतलब मैं ये मानता हूँ। और अगर नहीं समझ पाए मान लो आप दो तीन बार वीडियो देखने पर, तो मैं कहूँगा कि अभी पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को ही लेकर आगे बढ़ो, और जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस करेगा आई कैन गारंटी कि आप वापस जब पीछे मुड़कर आओगे यहाँ पर और देखोगे कि यहाँ पर आपको दिक्कत हुई थी, तो आप खुद ही बोलोगे कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मुझे सिर्फ दिक्कत हो रही थी। तो एक बिगिनर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बहुत जल्दी रातों रात कुछ नहीं सीख सकते, और घंटों में तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकते, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। मैं चाहता हूँ वो टाइम आप लगाएं, मैं वो टाइम आपको देना चाहता हूँ, और आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ ये बोलकर कि अगर नहीं भी आ रहा है समझ में पहली बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप कि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो के साथ ज़रूर लेकर जाएंगे एज अ लर्निंग, और ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस कर लेना, बुक मार्क कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और सोर्स कोड से आप सोर्स कोड को डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट time.